नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सहसाहुरं शुद्धात्मानं अनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संगश्चर्यार्थं संगश्चर्यप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गोप्तं गणे मंगलं कुन्दकुन्दाजो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैच्छिद्रूपैस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः जीवमजीवं सर्वं जीवर्वस्नेन जीर्णनिर्भितं देवेन्द्रवंदनं वंदितं सर्वदा शिरसा। पाठ करना ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है, घोकना याद करना, रूढ़ी की क्रिया नहीं है। जैन शासन में रूढ़ी की क्रिया नहीं है, रूढ़ी क्रिया का नाम धर्म भी नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे अपने करे चले 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 कर रहे अपने। अरे भाई जैन शासन में करने का तो अभाव है, कर्तृत्व बुद्धि छूट जाना चाहिए और समझ जागृत हो जाना चाहिए। धर्म शक्ति समझ पूर्वक होता है। धर्म शक्ति समझ का नाम है देर क्यों नहीं कहा, कि ये भी कथन उपचार से है, लेकिन सच धर्म सच्ची समझ पूर्वक होता है। किसका अर्थ क्या हुआ, सच्ची समझ होने पर जो साम्य भाव प्रकटता है उसका नाम धर्म। मैं आत्मा हूं ये समझा तो करने का भाव मिट गया, अपना सुख अपने में दिख गया, विषयों की वांछा टूट गई, ये धर्म का आया है। कुछ न कुछ होगा वहां, ज्ञान शुष्क नहीं होगा। धर्म सच्ची समझ पूर्वक होता है माने समझा। क्या समझे, क्या समझे, हम आत्मा हैं। अगर तक क्या समझे थे, हम शरीर हैं तो कहूं मर न जाए, अरे मैं तो अजर मरूं, मर न जाए उससे भयभीत होते थे। अब हमें अजर अमर हैं ऐसा समझने से आनंद हुआ, निश्चिंता हुई। उस निश्चिंता का नाम धर्म है, उस आनंद का नाम धर्म है, उस समता भाव का नाम धर्म है, उस क्षोभ के मिट जाने के नाम धर्म है। हम आज तक समझते थे विषयों में सुख है, अब समझने लगे अपना सुख अपने में, और अपने अपना सुख अपने में है ऐसा समझने पर जो पर से विरक्तता हुई, अपने क्षोभ मिट गया, विषयों की वांछा टूट गई, उसका नाम धर्म है। हे को हे जानना, हे को हे मानना, क्या हो गया, हे को हे मानना, हे को हे जानना, बोलो क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों। हे को हे जानना सम्यक ज्ञान, हे को हे मानना सम्यक दर्शन, और हे का छूट जाना उसका नाम सम्यक ज्ञान। विषय हे ये ज्ञान हुआ उसका नाम सम्यक ज्ञान, और ऐसा ज्ञान होने पर विषयों की आशा छूट जाना। विषयों अभी सभी प्रवचन सार की देख रहे थे, अरे दुखी जीव ही विषयावलंबी होता है, विषयों का अवलंबन करता है। दुखी जीव ही विषयों का अवलंबन करता है, सुखी जीव विषयों का अवलंबन क्यों करेगा, वो तो निरावलंब ही है। तुम तो अभी खड़े हो जाओगे ऐसे, अवलंबन कौन देगा, जो कमजोर होगा बीमार होगा असमर्थ होगा, जो समर्थ होगा सामर्थ्यवान है वो तो ऐसे खड़ा होगा, उसे क्या फर्क पड़ गया। तो जो दुखी होगा वो विषयों का अवलंबन करेगा, और जो विषयों का अवलंबन करेगा वो दुखी ही होगा। विषयों के अवलंबन से दुख ही होता है,
एक बात, और विषयों की क्या अवलंबन माने क्या। वैसे तो अवलंबन का अर्थ अनेक प्रकार से विचारना चाहिए। अवलंबन माने का कोई कम दीवार नहीं है ऐसे सारे टिक गए, चौकी नहीं है ऐसे आदर ले। अवलंबन माने विषयों में सुख मिल जाएगा, ऐसी श्रद्धा सुख बुद्धि। और ध्यान रखना, विषयों में सुख बुद्धि जब तक नहीं छूटेगी तब तक विषय कैसे छूटेंगे। नहीं होंगे तो पाने के लिए तरसोगे। दृष्टांत किया था एक ब्रह्मचर्य के प्रसंग में, एक सेठ था, उसकी स्त्री मर गई। स्त्री जब मर गई तो उसका फोटो को देख देख करके याद करके रोए। दूसरा विवाह हो गया उसका, दूसरी स्त्री आई, उसने कहा जी देख देख के रो रहे हैं, फोटो उठा के बकस पर रख दिया। वे दुकान से आए सो और रोने लगे। उस स्त्री ने पूछा अब काय को रो रहे, कब आए कि बात ये है अब संसार की अर्थार्थता को देख कर रो रहे। जो घर की स्वामिनी थी उसके एक फोटो की लिए जगह नहीं, बोले ये बात नहीं है, फोटो सुरक्षित रखा है बक्सा में, तुम्हें उसको फोटो को देख करके याद आती थी और तुम्हें दुख होता था इसलिए हमने उठा के रख दिया। अब और रोए और रोने लगे। बोले क्या बात है कि भैया वहां से उतार दो, यहां से हटा दो, अब तो वहां से हटाने वाली तो कोई और हो सकता है, यहां से हटाने वाला कौन हो सकता है। यहां से हटाने वाला कौन होगा बोलो भाई, दिमाग लगाओ, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के अभ्यास यहां से आ जाएगा। जब अपने ज्ञायक भाव का, आनंद स्वरूप ज्ञायक भाव का यहां विराजमान होगा तो वो परार्थ अपने आप हटाने नहीं पड़ेंगे। जैसे मान लो नहीं आ पाए जी, बैठी प्रश्न कर रही थी, अब हम आ गए तो आ गए तो अपने आप उठ जाएंगे, उठाने पड़ेंगे। प्रकाश के होने पर अंधकार अपने आप भग जाएगा कि भगाना पड़ेगा। तो ये बताओ, ज्ञानाभ्यास होने पर राग विषयों का अपने आप टूट जाएगा कि तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अपने आप तब टूटेगा जब अपने आप पारदर्शी हो। ये स्वच्छंदता की बात नहीं, बोलता अपने आप छूट जाएंगे, वे सब छूट जाएंगे, सब नहीं छूट जाएंगे, अपने आप नहीं, एक और नहीं छूटेंगे। विषयों में सुख बुद्धि भी नहीं छूटी तो विषय कैसे छूट जाएंगे। पहले विषयों की सुख बुद्धि छूटेगी, माने विषयों में सुख है ऐसी श्रद्धा, फिर विषयों की चाह भी धीरे मंद होगी, विषयों की चाह भी छूटेगी, सब छूटेगा, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। उन्हें छोड़ने जाओगे, हमें छोड़ने हैं छोड़ने, तो और पकड़ेंगे भी। उनका स्मरण भी मत करो, पूरा भोग न चिंतव है आगम बांछाना। दुख होगा, एक बात ध्यान रखना, आपने पढ़ी होगी, दुख सबकी याद दिलाता है। अगर हमारे चित्त में दुख होगा तो रोटी की याद आएगी, रोटी वाले की याद आएगी, पैसा की याद आएगी, फली ले ली याद आएगी, यानी पिताजी के समय की याद आएगी, अम्मा के समय की याद आएगी, पैसा की याद आएगी। आज को पैसा हो तो हम ले आते काय को भूखे बैठे होते। ये धन आत्मज्ञान के बिना अनर्थ का कारण है, ध्यान रखना। अभिमान उत्पन्न करता है, हमें तो आई कहते नहीं, हम तो पैसा आया रूप है, ये भगवान ये अभिमान क्यों आ गया, ये नहीं बोल पाए, क्या कहें भैया कह लियो हम पर पैसा तो है नहीं, तो फिर परिचय सहन नहीं कर, ये धन परिचय सहन नहीं करने देगा,
कभी ऐसे तो हमारे यहां पानी भरते हैं, यही भगवान, यही भाषा कैसे आ गई तुम्हारी साधर्मी के प्रति, ऐसी भाषा कैसे आ गई पैसा के पास? ये दरिद्र है, हमारे पास पैसा है। अरे तुम पैसा है तो ज्यादा दरिद्र हो, दाम बिना दर्दन दुखी तृष्णा बस धनवा। अगर अर्थ पर अंकुश नहीं हो ज्ञान का धर्म का, तो ये समझ लेना चाहिए अर्थ अनर्थ करेगा। नाना प्रकार की प्रलोभन कौन देगा पैसा, और वो उसे फंसा ले। आप क्या समझते हो, बड़े लोग जितना पाप करते हैं उतना कम कम साधन वाले नहीं कर पाते प्रवृत्ति की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा की बात अलग है। क्यों, उनको ये लगता हमारा कोई क्या कर देगा, हम पैसे पैसा है, हम एक आध बोल ही लेनी है, जय जयकार कर दी है, आती बैठ जाए बस काम खत्म हो, वो तो पट डाल गया, अच्छी अच्छी माला डालेंगे हमें, तुम क्या समझते हो? वो धन की पक्षपाती वो निखाए, गोमर सार टीका करते हुए पंडित टूटरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद का की प्रस्तावना में क्या लिखा, अर्थ का पक्षपाती कहता है सब काम अर्थ से सिद्ध होते हैं, इसलिए पैसा कमाने को उपाय करना चाहिए। बाद बाकी का है, अरे पैसा हो को चार पंडित बुला ले, चार शिविर लगा ले, दो मंदिर बना ले, हम अपना अलग बना लिए, हाँ अभिमान से पाप कौन को भोगेगा, अलग तो तुम बना ले, फिर व्यवस्था कौन करेगा, पुजारी के भरोसे? इतना कष्ट होता है इन अभिमानियों ने, जगह जगह कर्मचारियों के भरोसे धर्मार्थन बनाकर छोड़ दिया, धर्मी का पता ही नहीं, धर्मी की कदर नहीं है, धर्मी को कोई सोच नहीं है, धर्मात्मा इकट्ठे कैसे हो, ढूंढना पड़ते हैं। सागर धर्मामृत में लिखा, सम्यक दृष्टि वक्ताओं की बात नहीं कर रहे, सम्यक दृष्टि श्रोता मिलना भी मुश्किल है इस काल में, पंचम काल में सम्यक दृष्टि श्रोता मिलना मुश्किल है, इसलिए भद्र परिणामियों को ही उपदेश दो और उन्हें बुला करके सम्यक दृष्टि बनाओ। भद्र परिणामी कैसे होते, भद्र परिणामी ऐसे होते चुप रह जाते, भद्र परिणामी अभी चुप रह गए ये भद्र परिणामी है, नहीं तो तार जवाब दे दे, लड़ने लगते तीव्र कसाई। भद्र परिणामी सुन लेता है चुपचाप, बात तो सही है, और भद्र परिणामी बात तो सही है, और भद्र परिणामी अब तुम अपनों करो हम अपनों कर रहे, बात काऊ काऊ को विघ्न मत करो भैया, और भद्र परिणामी बात तो यही सही है, छोड़ो इसको, हाँ सम्यक्ति हो गया, प्रवचन अच्छा लगता है ये पुण्य का कार्य है, पुण्य भाव है, प्रवचन अच्छा भी नहीं लगता सुनते हैं सुहाता नहीं, ऐसी श्रोताओं को पाप बंद होता है, और सच्चा लगता है बात तो यही है, तब सम्यक्ति के सम्मुख होता है। ध्यान रखना विशुद्धि लब्धि केवल मंद कसाय का नाम नहीं है, विशुद्धि लब्धि तत्व निर्णय पूर्वक होती है, तत्व की प्रति जब तक जिज्ञासा नहीं जगह कहाँ आएगी, तो आप निर्णय भी कह रहे हो और जिज्ञासा भी कह रहे कि हाँ जिसे परोक्ष रूप से सुना है उसे प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा, जिसे श्री मुख से सुना है गुरु मुख से सुना है
उसे स्वानुभव पूर्वक प्रमाण करने की विद्या। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, देव कैसा है, क्या करता है। तो देखना कैसे है, कैसे देखोगे? अंतर्मुख होकर के नहीं देखोगे, यहां देखोगे आगम में, तो आगम में तो मिलेगा ही। आगम तो क्या कह रहा है, शुद्धात्मा ही देखने योग्य विश्वभर में। हे भाई, तू अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर, अपने को हर परिस्थिति में आत्मा देख, तब तुझे क्षमता आएगी। हर परिस्थिति में अपने को समरूप एक सा देखे, उसका नाम क्षमता। और जब अपने को आत्मा देखेगा, ज्ञायक देखेगा, तब भी ये दिखाई देंगे, बस अब भेद नहीं होगा। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये अब इनके प्रति राग, इनके प्रति द्वेष नहीं आएगा। जो दिख रहा है पूज्यपाद स्वामी समाज तंत्र में कह रहे हैं, समाज तंत्र माने जानते हो, समाधि का उपाय, तंत्र माने उपाय, तंत्र मंत्र यंत्र बोलते हैं ना, तो तंत्र माने उपाय, तांत्रिक होते हैं। तो समाधि तंत्र माने समाधि का उपाय। क्या उपाय है? पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जो दिखता है वह तो चेतन नहीं, चेतन तो दिखता नहीं, और जो दिखता है वह अचेतन है। अब हम कौन से बोले, कौन से बिगाड़े, कौन से राग करें, कौन से द्वेष करें? जो दिख रहा है वो तो चेतन नहीं, और चेतन है वो दिख रही है, अब हम क्या करें? हमने आवाज दी, यहां आइयो, ये आएगा ठाड़े हुआ, तुमसे क्या कहें? हमने इन्हें बोला भाई, अब तुम देखा है। तो विश्व में चेतन जानता है, समझता है, चेतता है, तो अचेतन दिखता नहीं, और अचेतन दिखता है तो अचेतन है। अब बताओ हम कौन से का करें? जो ये दिख रहा है सो ये सब है नहीं, और जो है वह दिख नहीं रहा। अब इसलिए मौन में वह हितम साध्य हूं, तत्व ज्ञान पूर्वक मौन होता है, नहीं तो ढोंग है, चुप रह गए, योग्य उत्तर नहीं दिया, दिन भर नहीं दिया, बस आगे बैठ गए सुन लो, ये पर्याप्त नहीं है। चोरी चोरी में पीछे पीछे से, ये पर्याप्त नहीं है। श्रोता सुनने वाले को नहीं कहते, आत्महित के लक्ष्य से सुनने वाले को, प्रसन्नता से सुनने वाले को, जिज्ञासा से सुनने वाले को, नहीं समझ में आए तो पूछने की भावना हो। सुना है, समझा है, पूछा है, विचार किया है, मुझे अब इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो, परीक्षा नहीं पास करने ताकि नहीं रट रहे, कुछ मेरा हित हो। हर परिस्थिति में समता रखना है, पर ये पैसा पक्ष है। क्या कह रहे थे, क्या क्या रहे थे? अरे जी, तो बहुत बात में कही, उपयोग एकाग्र करना है, जहां भूल गए तहीं भूल गए, समझ गए? ज्योतिषी का लड़का था, हैं? हाँ यही तो कह रहे हैं, भूल गए तो फूल गए, फूल गए तो भूल गए, दोनों बातें हैं, परस्पर में कारण कार्य है। भूले हैं तो फूले हैं, और फूले हैं तो भूले हैं। पूंजी हो तो व्यापार हो, व्यापार हो तो पूंजी बढ़े। धरे धरन थोड़ी बढ़ेगी, भूल गए सो भूल गए, अभिमान क्यों आया? भूले हैं तो
मैं भूल स्वयं के वैभव को परममता में अटकाया। ये रूढ़ी की क्रिया नहीं है क्या? सुन रही हमने गोष्ठी, तीन दिन तो हो ही गए, अब क्या करना है? और रह गए चार दिन काट लेंगे। अरे तुम्हारा जो प्रीत मानताएं थी उन्हें नहीं काटोगे? दिन काटोगे, कर्म नहीं काटोगे? फिर अपने घर जाए, ये भगवान वो घर है कि नरक है? परमात्मा प्रकाश में लिखा है जिसे तुम घर कह रही हो, जिसे सुख का कारण कह रही हो, वो दुख का कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है समाज तंत्र में, अरे जगत में किसका विश्वास कर रहे हो, कहाँ रम रहे हो, को विश्वासम को रम्यम। तूने अपना अभी रम्य स्वरूप और विश्वसनीय स्वरूप नहीं देखा, इसलिए दिख रहा है। जब पुद्गल का विश्वास नहीं है तो पुद्गल को अपने मानने वाले का विश्वास क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं, जब पुद्गल का विश्वास नहीं है तो पुद्गल को अपना मानने वाला विश्वसनीय कैसे होगा? हमारे पास तो पैसा है, अगर पैसा विश्वसनीय नहीं है तो तुम कैसे विश्वसनीय हो जाओ? जो पैसा को धूल समझते हैं ऐसे देवगुरु धर्म वह विश्वसनीय कहे जाते हैं व्यवहार से, और जिसमें पैसा का प्रवेश नहीं, इसमें से पैसा की चाह नहीं होती, ऐसा शुद्ध आत्मा वह परम विश्वसनीय, सदाकाल विश्वास करने रहा है। अगर तुम्हें समाधि की चाह है तो ये चिंतन करो, समाधि तंत्र माने समाधि का उपाय। चुप रह गए ये भद्र परिणाम तो है, लेकिन समस्त परिणाम नहीं, ध्यान रखना। नहीं समझ में आई चलो छोड़ो, का करने ये भद्र परिणाम तो का करने, भद्र परिणाम भी नहीं। नहीं समझ में आई तो पूछना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, स्वानुभव से प्रमाण करना चाहिए। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। जैन शासन में कोई भी देव दर्शन रूढ़ी की क्रिया नहीं है। दर्शन का अर्थ मोक्ष मार्ग में श्रद्धान, तो भगवान की वाणी का श्रद्धान भी होना चाहिए, तत्वों का श्रद्धान भी होना चाहिए। और देव दर्शन आत्म दर्शन के लिए है, देव दर्शन के लिए नहीं है, ध्यान रखना। दर्शन कर आए जाओ, ये भगवान का कर आए, क्या दर्शन कर आए तुम बताओ? हम ये दर्शन कर आए अपना सुख अपने में, हम ये दर्शन करके आए हमारा जी अनंत है, हम ये दर्शन करके आए शुद्धात्मा ही देखने योग्य। क्यों? सारे भगवान जितने बैठे हैं सभी जीव अपने को देख रहे, कोई से भगवान चाहे शांतनाथ हो चाहे कुंथनाथ हो चाहे अरेनाथ हो, पर को कोई नहीं देख रहा, को दर्शन कर भी आओ को नहीं आओ, कौन ने प्रादान चढ़ाओ, कौन ने चावल चढ़ाए, कौन ने चावल नहीं चढ़ाए, कौन ने पंचांग नमस्कार किया, कौन ने ऊपर से सैल्यूट मार दो, नहीं नहीं वे नहीं देख रहे। दर्शन करने का मतलब ये है, अब ये चिंतन नहीं चला तो दर्शन काय हुए? दर्शन कराए क्या हो, का कराए क्या? हमारा कर्तत्व झूठा है, कर्तत्व के सारे विकल्प झूठे हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, ये दर्शन करके आए, ये श्रद्धा लेके आए, ये दवाई जई बैठी ने,
आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु वचन सम पथ नहीं, औषध विवेक ध्यान। ये दवाई जाइए उनमें, बैजी को दिखाया है, आओ तो दिखाई का मतलब क्या है? अरे कहीं दवाई लेके आए कि नहीं, पथ समझ के आए, कुपथ समझ के आए, छोड़ने के लिए आए कि ग्रहण करने के लिए आए कि? तो इन भगवंतों को देख करके तुम उत्कृष्ट वैद्य हैं, पराकाष्ठ विदग्ध, इनको देख करके तुम कछु नहीं समझे, रोम नहीं खड़ो हो तुम्हारे, और पढ़ रहे हो पागल से ये रोम रोम पुलकित हो जाए, हमें सुना रहे हो। दर्शन करे आए, सकल जी बता रही है दर्शन करे आए हो तुम, अगर तुमने दर्शन करके आए होते तो तुम्हारी मुद्रा बता रही होती। मेला में से आते हैं एक बालक देख करके तो उसकी मुद्रा, ओ वहां ऐसो सर्कस लगो तो, ऐसे झूला लगो तो, पूछ नहीं रहो कोई, और वो बालक जबरन कह रहा दादी वहां ऐसो तो बड़ी बड़ी दुकानें थी, एक मेला से लौट करके बालक आता है तो वो मेला के गुण गाता है, और तू कैसा है जो इन भगवंतों को देखकर आया भगवंतों के गुण नहीं गा रहा? तुझे समझ में नहीं आया ये विराजना का फल है, ये शांत चित्त बैठे ये आराधना का फल है, आराधना का फल समाधि, विराजना का फल उपाधि, फंस गए बंध गए उलझ गए अटक गए भटक गए, ये सब विराजना का फल है, अज्ञान का फल है, आराधना का फल समाधि। हाँ, और हम आप भी पढ़ते हो मन शांत भयो, मन शांत भयो, कहाँ शांत भयो, भूख लगी है, नेक्स्ट देर हो जाए तुझे लग रही है कि कब बंद होए कब रोटी खाएं, सोचो विचार करो, पहले सम्यक तो होता है फिर संयम होता है, संयम का मूल सम्यक तो है, और सम्यक संयम सम्यक को पुष्ट करता है, सबका चार में लिखा सम्यक दर्शन संयम कर पुष्ट हुए है मजबूत हुए, और बोलो का देखो कर्णन योग में अवगाढ़ सम्यक परमावगाढ़ सम्यक वृक्ष का जो अंकुरा निकला था अब वृक्ष बन गया, वो अंकुरा कहाँ गो, जो तना दिखाई दे रहा हो जो तुम मोड़ो ये अंकुरा ही था, जो पहले दिन बाल बराबर ऐसा अंकुरा दिखाई दे रहा था वही तो ऐसा तना है, या मैं तो मूड़ मारो तो में टूटे, इतनी सीधा गाढ़ है इन लोक में भयंकर बजपात, कैसा बजपात, जिसकी ध्वनि मात्र से लोग मार छोड़ दें, ऐसा भयंकर बजपात होने पर भी सम्यग्दर्शी अपने सिद्धांत से च्युत नहीं होता। अरे पंडित जी ने लिखा सिद्ध भगवान को कभी संसार में आने की अभिलाषा नहीं होती, चलो देख तो आए, का हालत हो गई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, अरे ऐसा भगवान नहीं होता, देखो देख तो हाँ, ये समय तो का बल है, वहां का है देख भी लायक ही नहीं है,
समोसरण की रचना केवल ज्ञान होने पर हो जाती है। भगवान ऐसे विराजमान हो गए गंधकुटी में। गंधकुटी में जब भगवान विराजमान हुए और समोसरण की रचना हो गई, 12 सवा भर गई, तो उन अनंत प्रभु को, सर्वज्ञ देव को ऐसा भाव नहीं होता, चलो देख चलने कैसे बनो है, को आओ है, को नहीं आओ। कोई भाग्यवान आएंगे, कौन नहीं आया, कौन आया, आ भी नहीं पाएंगे, आ भी नहीं पाएंगे। बादन जी बोले वो रिजर्वेशन वो नहीं भाव का हो तो है, क्लियर नहीं भाव हम नहीं हो नहीं, मन क्लियर हो तब तो रिजर्वेशन क्लियर हो। बुलाए तो आ जाओ, ऐसा नहीं भक्कर के आओ तब क्लियर होगा। भाग चंद ये भाई तज कर के कारज अगभारा, नहीं हमें बुलाओ ही नहीं तुम्हारा, कौन बुलाएगा तुम्हें तुम्हारे घर। हम आपसे बार बार कह चुके, देखो शंभु शरण में 3 जाति के देव होते हैं, वो जीव होते हैं, चौथी नहीं होते, नहीं होते तो कौन है आप समझ लेना, हम नहीं जानते, तुम ही कह रहे हो। वो हम आ नहीं पाए, वो हम कर नहीं पाए, वो हमें आने नहीं है, अब हम यही मन लग रहे है, ही अच्छो लग रहा है। अच्छा ये तो ऐसी बात है, स्त्री को बुलाने के लिए उसका पति गया और वो कहती है हम तो यही ठीक है, हम तो यही ठीक है। का ठीक हो के खाए के बिस्कुट मिल रहे जिनमें बता जो कोई बात रही। अरे उस महासती चीता को याद करो, जंगल में बैठी है और राम साथ में है। सीता जी क्या कह रही है, राम के रहते हुए जंगल भी मंगल है और राम के अभाव में वियोग में मंगल भी जंगल है, मैल भी जंगल है। दास दासियां इतने परिकर से घिरे रहने वाली महासती सीता जंगल में अकेली बैठी, और कोई कष्ट नहीं, जहां राम है वहां कहां कष्ट है, कष्ट तो वहां है जहां राम नहीं होती, कष्ट तो वहां है जहां आत्मा नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। जहां आत्मा है, आत्मज्ञान है और उसका ज्ञान भी है तो कष्ट क्यों है, कष्ट की कल्पना झूठी है। अब हम आ नहीं पा रहे, अरे तो नहीं आ पा रहे तो कह गए तो धर्मात्म मान रहे, तो सुनाने की बड़ी है, सुनने की क्या नहीं गुंजाइश नहीं है, क्या होगा ऐसे जीवों का, होगा सो होगा, उनकी हुनर का विचार करने पर समता आती है और अपन को समता ही चाहिए। समाधि तंत्र देखो भाई कितने लोग हैं कि हम अकेले हैं, विश्व में अनंतानंत जीव, अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक असंख्याति काल द्रव्य है कि नहीं। विश्व में 6 द्रव्यों का समूह है, मेला है, लेकिन जो ये नहीं समझता इस मेले में हम अकेले हैं वो पापी है, मिथ्या दृष्टि है। सदा केलो चेतन एक तो माही
ये क्या करेंगे, पाप का उदय बांट लेंगे, तुम्हारे पाप के परिणाम बांट लेंगे। विषयों की वासना से एक बड़ी चर्चा आई, का खा रहे कछु नहीं, छिपाए छिपाए के अपने गुटखा खाता है, पीछे खाता है, पिताजी को कछु पता नहीं, और कैंसर हो तब कौन से छिपाए हो, ये बेटा मौका नहीं खुल रहा तुम्हारो, अब का कहे। पाप को छिपा सकते हो, पाप के उदय को फल को कौन छिपाएगा, खड़े हो जा जो पाप के फल को छिपाने में समर्थ हो। पैसा ढक लेगा तुम्हारी, क्या पड़ोसी ढक लेंगे तुम्हारी, उस पाप का उदय आएगा कि नहीं। गुटखा तुमने छिपा के खा, बीड़ी तुमने छिपा के पी है, अब कैंसर छिपाओ, अरे छिपाने की जरूरत भी नहीं है, मिटाने की जरूरत है। समाधि तंत्र पाप को मिटाने का नाम है, पाप को छिपाने का नाम नहीं। अनादिकाल से पाप को छिपा छिपा करके धर्मात्मा दिखने की कोशिश की है, पाप को मिटा करके धर्मात्मा बनने का पुरुषार्थ करो। अज्ञान छिपाते रहे अपने, ऐसी एक्टिंग करते रहे जैसे हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है, ऐसा समझते रहे हमें सब मालूम है, क्या मालूम। जो संयम साक्षात मुक्ति का मार्ग है वह संयम सम्यक पूर्वक होता है। सम्यक रूपी वृक्ष का फल है ये समझ लेना संयम, और संयमी के आनंद को संयमी जानेगा। संयमी संयम के आनंद को संयमी ही जान पाएगा। अज्ञानी को विस्मय उत्पन्न होगा, हे तुम्हारे यहां कैसे मन लगा तो है महाराज, तुम यहां ऐसी अवस्था में कैसे चले आए, का करते रहे तो दिन भर बैठे बैठे, अब मुन्ना कहें क्या करें। युवा अवस्था, छोटी उम्र, कोमल शरीर, सुंदर शरीर, आकर के बैठ गए आत्मज्ञान में, और राजा उधर से निकला सो पूछ रहा है, महाराज यहां बैठे बैठे का करते रहे तो कैसे मन लगत हो जाए। अरे मन हटता नहीं है, तुम कह रहे कैसे मन लगत हो जाए, मन कहीं जाता नहीं, राज की याद आती नहीं। एक बार एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उसकी विजय हो गई। हार जीत पुण्य पाप के अनुसार युद्ध में होती है, तुम समझते नहीं हो, कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं उत्पन्न होना ये हमारी जीत है। संसार का वर्णन अरे नरदेह की है हार है, तो जिससे संसार बढ़ता है उसका उत्पन्न होना तुम्हारा हार है कि नहीं है। जिस परिणाम से संसार होता है उस परिणाम का वर्णन उसका संसार, तुम संसार का वर्णन पढ़ गए, हम कह रहे पढ़ो, हिंसा का वर्णन नरदेह की यह हार है। ओ मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, सजा मिल गई, कर्म बंद हो गए, संकल्पी हिंसा हो गई, मजा आएगा। ऐसी बोली बिने पर कुछ पता ही नहीं पड़ी, झूठ बोल गए हम, बिने कुछ भी नहीं समझ ही नहीं पाई, बिना कुछ कही नहीं, तो मजा आएगा, सजा मिल गई तुम्हें पता नहीं है। हिंसा का वर्णन नरदेह की हार है, ये मनुष्य परिहार दुर्लभ परंति। हिंसा के बढ़ाने के लिए नहीं है, हिंसा का तांडव मचाने के लिए नहीं है। जगह जगह कट्टी खाने और उनकी सामग्री का प्रयोग आप कर रहे हैं, तकलीफ की बात, उससे उत्पन्न पैसा का सदुपयोग आप कर रहे हो, सदुपयोग है दुरुपयोग है,
हम ये इतना कष्ट होता है धर्म के क्षेत्र में भी, बस कहां से आओ पैसा, कहां से आओ, कैसे आओ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, हमें कछु मतलब नहीं, ले माला डाल दे। अरे हमारी संस्कृति ये है, पानी पीने से पूछ ले, पहले पूछ ले तो कहो हो तुम, अन्याना बच क्यों कर रहे हो, क्यों भैया तुम का कर, तुम्हारा धंधो का है, ले ये पैसा ले ले, ला ये कपड़ा ले ले, तुम्हारे ले आए, ये मेवा ले आए, अरे तुम हो को का कर, तो तुम अन्याय से कमा करके दान मत दो, न्याय से कमाते हुए संतोषी रहो, त्यागी बनो। अपना शेष जीवन धर्म की आराधना में लगाओ, पैसा कमाने में, इतने दान दे जाओ, इतने लगा जा, इतने कमा जाओ, इतने दान दे जाओ, इतने कमा जा। नवीन उपार्जन का त्याग कर दो अगर जरूरत नहीं है तो। चक्रवर्ती छह खंड का वैभव छोड़ करके गुरुओं की शरण में आया, ले करके नहीं मारा जाओ कर। तो राजा की विजय हो गई, लौकिक भाषा अब विजय हो गई, तो राजा ने थोड़ी सज्जनता जग गई, मंद कथा। उस हारे हुए राजा से कहा, देखो राजन, अब ये राज्य तो हमारा है, अब तुम एक वस्तु ले जा और निकल जा, हम तुम्हें सजा नहीं करेंगे, जेल में नहीं डालेंगे, कछु नहीं करेंगे, एक वस्तु ले जाओ और निकल जाओ, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अब हरा हुआ राजा धर्म बुद्धि वाला था, उसने अपने स्वाध्याय का शास्त्र माथे पर रखा और चल दिया। उन्हें कि अरे जी हार गो जा को दिमाग सो खराब हो गो, बोला यहाँ का कर रहे, ये पोती कौन को जाए खायो के पहनियो, क्या करो, या तुम ले जा रहे हो, अरे एक आध रत्न ले जाते, बेच के अपना काम कर लेते, धंधो बंदो। सुनो राजन, बात ये है, ये हमें आत्मा की याद दिलाएगा, दुनिया की याद भुलाएगा, हम राजा थे भूल जाओ, राज्य में सुख है ये भूल जाओ, ये हमें राज्य के अभाव में भी दुखी नहीं होने देगा, और इस शास्त्र के बिना, आगम के बिना, राज्य के अभाव में क्या राज्य में भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसका स्वाध्याय करेंगे हम जाकर के, विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक अपने आत्मा को समझेंगे, आराधना करेंगे। अरे राजा विचारने लगा, मैंने इस धर्मात्मा को व्यर्थ ही कष्ट दिया, इसकी राज पर व्यर्थ आक्रमण किया, इसकी धर्म बुद्धि का तो पार नहीं है, ये तो निष्प्रयी आदमी है, साधु पुरुष है। महाराज तुम अपना राज संभालो, हम पे नहीं, हमारे बस की नहीं, क्या संभालें, हम कहा संभालेंगे, राज को छोड़ करके तुम आ गए भैया, हम अपने कल्याण करेंगे, हम अपनी आत्मा संभालेंगे, तुम राज संभालो, तुम आत्मा संभालोगे, हम राज क्यों संभालेंगे, हम तुम्हारी समझ तो ही समझ आओगे, हम भी अपनी आत्मा ही संभालेंगे, राज नहीं संभालेंगे। दोनों युवक राजाओं को बुलाया, बेटा प्रेम से रहना, प्रजा का पुत्र के समान पालन करना, देव सास गुरु का सिद्धांत मत छोड़ना, धर्मियों से बहुत प्रेम रखना, कुछ बदले हुए शब्दों में पदम पुराण में लिखा है ये था। अब हमें कौन याद है, तो शब्द सुना दें तुम्हें, ये राज्य के अभाव में भी दुखी नहीं होने देगा, और इसके बिना राज्य में भी दुखी नहीं होंगे। स्वर्ग में भी सुखी नहीं हो पाओगे आत्मज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना।
ये समाधि का उपाय है, सुखी होने का उपाय है। संयम को धारण करने वाले को भी संयमी कहते हैं, हैं? तो संयमी के मूल में भीतर क्या है? कब आते है? आंधी आई थी रात को कि नहीं आई थी? ये हॉल तो गिर रही। अरे इसके पिलर बहुत गहरे हैं, सुमेरु की चोटी भी चलायमान नहीं होती, पनकाल की हवा चलने पर भी। क्यों? कितने गहरी है, कितनी 1000 योजन गहरी उसकी नींव है। हम कितने गहरे उतरे हैं जहां तक आत्मा है, चलते ही चले गए। जब मकान भी बनाते हैं, जब तक ठोस जमीन ना मिल जाए तब तक चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते आ देगी नहीं। कहीं 10 फुट के पिलर, कहीं 15 फुट के पिलर, कहीं 20 फुट के पिलर, ये का मतलब? कहूं 5 ही फुट नींव खोदने पड़ रही पहाड़ी पर मकान बनाने। अब पहाड़ी वैसे ही ठोस धरी है, बना ले अपने, और भराव की जमीन में तो चले चले आप 15-15 फुट, 20-20 फुट, 25-25 फुट तब मकान बना पाओगे, और नहीं तो क्रैक आ जाएगी। पोली जमीन माने पर्याय और ठोस जमीन माने शुद्ध आत्मा, सही बात है। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम श्रेयंत मपनीत कथम भूमिम श्रेयंत कथम मपनीत मोहा ते साधुकत्व उपलब्ध भवंत सिद्धा मूढ़ा समूह मन पर भवंती। मूढ़ जी इसे जाने बिना संसार में व्यर्थी भटकते हैं। इस आत्मा को समझ करके अकंप भूमि का आश्रय करके मोक्ष महल का निर्माण करते हैं ज्ञानी। शुद्ध आत्मा को समझ करके अपनी पर्याय में शुद्धता का प्रकट करने का उपाय करते हैं। अपनी पर्याय में शुद्ध आत्मा को समझ करके शुद्ध आत्मा की आराधना द्वारा शुद्धता प्रकट करते हैं भगवान जैसी। ईर्षा से बैठे नहीं रहते, मरे थे मुर्दा से, मुर्दा से वे ही बैठे रहते हैं जिनकी दृष्टि मुर्दा पर। अमृतचंद स्वामी ने कहा जिन्होंने तत्व का परिचय है, तत्व इत परिचित तत्व है, इत जिन्हें तत्व का परिचय है उन आचार्यों द्वारा नए विभाग की युक्ति से देह और आत्मा को भिन्न दिखाया है, कौन ऐसा होगा जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए? कोई होगा मुर्दा को अपना मानने वाला? मुर्दा जड़ को मानने वाला जड़ होगा कोई? भीतर भीतर पर हो भाई में। जिन्हें तत्व का परिचय है उनके द्वारा नए विभाग की युक्ति से देह और आत्मा को भिन्न भिन्न बताया है, उस नए विभाग की युक्ति से भिन्न भिन्न समझ करके माने सर्वथा भिन्न नहीं, किसी अपेक्षा से उसे भिन्न कहा, किसी अपेक्षा से अभिन्न भी कह दी। आत्मा ऐसा भिन्न नहीं जा टांग के मुन चले आओ और शरीर, और ऐसा ज्ञान और शरीर के साथ ज्ञान और आत्मा जैसा अभिन्न है ऐसा अभिन्न भी नहीं। शरीर और आत्मा, ज्ञान और आत्मा जैसा भिन्न भी अभिन्न भी नहीं है, और कपड़े जैसा भिन्न भी नहीं। संश्लेष संबंध है, तुम कपड़ा उतार के वहां चले आओगे और शरीर धर के चले आओगे शरीर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम शरीर हो अपने को एक मानो। अरे शरीर धर के चले आओ, शरीर को भिन्न समझ करके
गोबर की जली को निकाल करके इस जिनोपदेश को धारण करो, ग्रहण करो। प्रवचन सार जी में सुंदर चर्चा है। अब करेंगे चर्चा, हो पाए तो सुंदर चर्चा है। पापा रंभ को जो छोड़ करके भी मोह को नहीं छोड़ता है वह कल्याण का पात्र नहीं होता। ब्रह्मचारी हो गए और मोह छोड़ो नहीं। ये चढ़ाई हमारी, ये कमरा हमारा, ये पापा हमारे, ये हमारी मम्मी, ये हमारा पैसा, अहिंसक नहीं हो सकता बिना मोह को छोड़े हुए। समय सार जी में उसका और खुलासा किया। समय सार जी का स्थूल रूप से पाप का त्याग करता हुआ, स्थूल शुभ क्रियाओं में रखता हुआ, घर से आएगा मंदिर से आए गए, घर से आकर के मंदिर आ गए, दुकान छोड़ के घर साध्याय में बैठ गए, खानो पीना छोड़ के उपवास कर लो, लेकिन मोह नहीं छोड़ा। मोह लगो भाई, बेईमान की तरह है। ट्रेन में जा रहा था एक तस्कर, माल उसने वहां पटक दिया और अपन यहां बैठे हो। कस्टम अधिकारी आए, बोले भैया ये बोरे में क्या है, किसका है बोरा? अब कोई बोले ही नहीं रहा, चुप बैठे। भाई साहब आपका है? नहीं हमारा नहीं। आपका है? उसने भी कह दिया हमारा नहीं। नहीं है कह रहा है और मान रहा है अपना, ऐसा बेईमान है। शरीर को कह रहा है भिन्न और मान रहा है अभिन्न। मान रहा है विषयों में कुछ नहीं है और कह रहा है विषयों में सब, समझ रहा है विषयों में सब कुछ है। लाट टपक रही बैठे यहां है और सूत वहां की है। मनुआ फिरे बाजार में, अरे मन से भी सूक्ष्म है अभिप्राय। स्थूल रूप से पापों को छोड़ करके चार प्रकार के जीवों की, वो छह प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता किसी की, ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 18,000 सील का पालन करता है निर्दोष, 9 बाणों का पालन करता है निर्दोष, और धागा मात्र नहीं रखे, और तो भी हमारा संग, हमारा पद, हमारी भूमिका, तुम्हारी का पद है, का भूमिका है, तुमने अपने पद को पहचाना नहीं, अपनी भूमि को जाना नहीं, तुम्हारी का भूमिका बन गई, जो इनकी भूमिका वही तुम्हारी भूमिका है, तुमने सोच ली हमारी का जो अलग है, कहे ये पेंट बुरसे पहने हम सोती पटा ओढ़े, ये भगवान जैसे का हो, तुम भी अपने को आत्मा नहीं समझते, वो भी अपने को आत्मा नहीं समझे। अरे अंत मंद कसाय की पुण्यता में भी अंतर है, इनका भाव तो सेवा करने का, तुम्हारा सेवा कराने का, तुम्हारा रोब गांठने का है, इन्हें सहन करने कछु नहीं, अपने बाबा जी हैं से कह दीजिए है, का करने नहीं, बाबा जी आपके लिए आए ले जाने, अन्य के लिए आपका भाव ये और हमारा भाव, अरे क्या तरसे हैं लोग देने के लिए, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी रोटी के भूखे नहीं है, ये भगवान तो क्रोध के भूखे हो, क्रोध कर रहे तुम, मान कर रहे हो, रोटी के भूखे नहीं हो, सबके भूखे हो, आत्मा नहीं जानता, वह विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपने रूप नहीं जानता।
मिथ्या दर्शन अकेला नहीं होता, मिथ्या दर्शन भी होगा तो मिथ्या ज्ञान भी मिथ्या होगा, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होगा तो चार्य भी मिथ्या होगा, अकेला नहीं हो सकता। कभी बहुत लोग कह देते हैं हम अकेले आदमी अब क्या करें, हम नहीं काय के लिए कर रहे अकेले आदमी हो जब तुम, अरे अकेले हो तो अकेले का अनुभव करो, बहाना मत बनाओ। अरे तुम्हें तो चार जने हैं कर व्यवहारे तो तुम चले आ तो, और हम तो अकेले आदमी क्या करें, आज आज देर हो जाते, ये बहाना बना रहे हो, अकेले आदमी हो काय के लिए कर रहे हो। एक बात, दूसरी बात और सुन लेना, बोलो याद है कि भूल गए, आदमी अकेला नहीं होता, आत्मा अकेला होता है। आदमी तो आत्मा और पुद्गल के संयोग का नाम है, मैं आत्म और पुद्गल खंड माने का होते, खंड माने असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु, अनंतानंत परमाणु, कम से कम दो परमाणु तो मिले होंगे, तो फिर अकेले कहां से हो गए। तो आदमी अकेला नहीं होता, आत्मा अकेला होता है, और एकत्व की अनुभूति करने वाले को आनंद होता है, उलझन नहीं होती, निर्भर होता है, भार नहीं होता उसके लिए। अकेले आदमी का क्या करें, अरे अकेला आत्मा कुछ करता है, जानना कार्य है करना कार्य है, जानना कार्य है, और सहज जानना कार्य है कि कृत्रिम रूप से विकल्प कर करके जानना कार्य है, जान करने के लिए विकल्प नहीं और जानने के बाद विकल्प नहीं। अरे उन भगवंतों को याद करो जिनके ज्ञान में सारा लोकालोक जलता और एक भी विकल्प नहीं, तुम्हें एक पदार्थ झलकेगा और अनेक विकल्प होंगे, या कमीज में एक बटन नहीं है, अरे कमीज ही नहीं देखो तो बटन का ही जरूरत पड़ी है। जेब में पैसा नहीं है, जेब ही मत देखो पैसा कहां देख रहे हो, देखो उस देखन हार को देखो, जानन हार को जानो, तब हो जाओगे, मोह मिटे तब जाने जानन हार है। रत्नों का दीपक हो चाहे सूर्य हो, अंधेरे का मिटने वाला नहीं, मोह का मिटने वाला नहीं, मोह मिटे जब जाने, जब जाने जानन हार, उसको जानो। अरे तुम्हें कुछ ही को जानने की अभिलाषा नहीं रहेगी और सारा पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा, आ जाएगा जहां पर हम देखियो, किसी को जानने की अभिलाषा नहीं रहेगी। ये है समाधि का उपाय, समाधि तंत्र, ये है संयम, तुम्हारा उपयोग अपने में लग जाए, अपना सुख अपने में देखो संयमी हो जाओगे, और अपना सुख पर में देखोगे तो असंयमी हो जाओगे। अपना सुख अपने में देखना संयम का मूल है, अपना सुख पर में देखना यह असंयम का मूल है, सकल धर्म को मूल यही, सकल कर्म को मूल वही, जो तुम मान रहे वो कर्म का मूल है, जो भगवान कह रहे वो धर्म का मूल है। वो ये समझता है कि कठोर मिश्री कैसे खाइए, संयम का जीवन ऐसा लगता बड़ा कष्ट होगा, संयमी के आनंद को संयमी पहचानता है, साधु उनके गुण साधु जाने, कौन सा ग्रंथ है, ज्ञानन सब का जा, सिद्ध भगवान के सुख का वर्णन किया,
तो सिद्ध भगवान के सिद्ध सुख का वर्णन, कैसा सुख होता है सिद्ध भगवान को, जैसा सिद्ध जैसा अनुभव करने पर सुख होगा वैसा ही समझ लेना। तो नहीं आई समझ वाली, सिद्ध समान अपने को अनुभव करने पर जैसा सुख होता है वैसा ही सिद्ध भगवान का सुख है। जब तक तुम सिद्ध भगवान जैसा अपने को अनुभव नहीं करोगे तो सिद्ध भगवान के सुख की समझ में नहीं आएगी। कहते रहोगे बहुत सुख है बहुत सुख है, कहाँ लिखी है? सब जगह लिखी है, सब जगह कहाँ लिखी? एक जगह तो बता दी, सब जगह में से वो पता ही नहीं, सब जगह लिखी है बस। क्यों? अहंकार कहला रहा है सब जगह लिखी, एक जगह मालूम नहीं हो सब जगह लिखी। और हम कौन इतने बड़े ज्ञानी हैं? जाके समझने के लिए अज्ञानी हो और कुतर्क करने के लिए ज्ञानी हो। तुम अब हम कौन ज्ञानी इतने बड़े ज्ञानी? तो नहीं ज्ञानी तो चुप रहो, तर्क मत करो। जहां कुतर्क है वहां नरक है, ध्यान रखना। जहां कुतर्क होता है वहां नरक होता है, घर में भी कुतर्क हो जाएगा घर का वातावरण नरक बन जाएगा। और जहां घर में योग्य वचन बोले जाएंगे, योग्य वचन को योग्यता से सुना जाएगा, धीरे सुनने की आदत डालो, धीरे बोलने की आदत डालो। कोई धीरे बोले तो तुम जे समझे जी पागल है, और जोर से बोले तो समझो कसाय। ये भूल है भाई, भूल है। ये घरों में शांति से रहने का मंत्र है, धीरे बोलने की आदत डालो, धीरे सुनने की आदत डालो। कोई धीरे बोले तो जे नहीं समझो हमने सुनी नहीं, अब जोर से बोलो। अरे तो सुनी नहीं, उस भड़बूजा की स्त्री के समान मत बनो। मालूम है? अरे भूल गए, भड़बूजे की स्त्री थी, उसकी एक लड़की थी, तो उस लड़की को देख करके राजकुमार विमोहित हो गया। ये भी एक पर्याय की योग्यता है, इसको कहकर के उड़ा नहीं देंगे हम अपने दोस्त को, लेकिन दूसरे में ऐसी परिणति देखेंगे तो हम उसकी योग्यता का विचार कर लेंगे, समता का विचार कर लेंगे। तो भड़बूजे की एक लड़की थी, राजा का राजकुमार विमोहित हो गया। अब वो तो अपनी भूलेगा सब कुछ, रोटी पानी सब का बात है। रानी पूछ रही, राजा पूछ रहे, बात का है। तो एक मित्र ने कहा कि राजकुमार उधर से निकला था, उसकी आंखें मिल गई, सो बस ये हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम बात है ब्याह कर दिए, हमें क्या फर्क हो। मंत्री को भेजा, जाओ भैया कहो उसे ब्याह कर दे राजकुमार के साथ। तो राजकुमार के साथ विवाह करने की जब बात आई तो माने की आओ हम राजकुमारी संग ब्याह करेंगे। को है राजकुमार? कहां को राजकुमार? चलो चलो बड़े चले आई। बेचारा मंत्री पहुंच गया, महाराज वो तो मने कर रही है। कोतवाल खड़ा था, कोतवाल बोलो हजूर आ गया हो तो हम जाए। कह जाओ भैया तुम ही चले जाओ। और जब वो मने कर रही तो तुम क्या करो जाए? कह हजूर आ गया हो तो चले आ, हम अजमाया। गया और उसने पकड़े बाहर, दो डंडा जमाए, कहे अपनी लड़की को ब्याह कर रही कि नहीं तू, ये बता राजकुमार के साथ। कि हम कब मने करी? कि मंत्री जी आए थे अभी तो, कि बिन्ने ऐसे कहां समझाई थी। ये तुम्हारा हंसने की बात नहीं है, बिन्ने ऐसे कहां कही थी? कह तुम खड़े हो जाओ, तुमने जवाब क्यों नहीं दो?
तुमने गई तब से पूछी क्यों नहीं, ऐसे नहीं गई, खड़ो नहीं करो तू अबे, अब खड़े कर दियो तब कह दिया हम गलती हो गई, क्षमा करो, तो तुम क्षमा करो, तुम सुधार नहीं करो और लौट फिर चले हो, फिर बस फिर वही काम करोगे हैं, जे टाइम देख रहे हो कि कब यहां से निकले, कल्याण करने चित्त यहां है, चित्त कहां लगा हुआ है, शरीर यहां बैठो, शरीर बैठा माने शरीर को अपना समझने वाला बैठा है, शरीर को अपना समझ करके बैठे हो, अब तुम्हें कैसे समझ में आएगी शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, अलग अलग करो, हमारा मतलब समझ गए, धीरे की आदत डालो, धीरे सोच में सुनने की आदत डालो, अपने जीवन को नरक मत बनाओ, वातावरण को नरक मत बनाओ, घर को नरक मत बनाओ, बहुत दुर्लभ पर्याय मिली है तुम्हें, क्या सोच रहे हो, अरे क्या समझ रहे हो, आचार्य हमारे गुप्ती के धारक होते हैं और उन्हें एक ही एक बार में सुनने पड़ेगी, और जरूरी नहीं है वे सुनाए तब सुने, ध्यान में रख करके ही उन आचार्य भगवंतों को ध्यान में बैठे हुए देख करके ही तुम्हें मुक्त मार्ग समझना पड़ेगा, इशारे में तुम कहवे पर नहीं सुन रहे तो क्या हो करोगे, आचार्य भगवान तो इतने उनको तो हम जितना राग नहीं है ना, और भगवान को तो बिल्कुल राग नहीं है, उनकी तो तबियत नहीं सुन के ही समझना पड़ेगी, और जब भी दुनिया अर्थ में नहीं रहेगी केवल मुद्रा को देख करके समझना पड़ेगा, अब तुम्हें करने परिणाम धरे तो हम क्या करें, और नहीं तो लकीर हाल हो जाती मोम की सा मोम मिला ऐसे लकीर गरीब की रहे तो मोम की लकीर होगी, पत्थर पे लकीर होगी का अनंतानंदी कैसा है, हम तो पूजा कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, दान दे लेंगे, तब कर लेंगे, घर छोड़ देंगे, मंदिर में रहने लगेंगे, लेकिन मानेंगे शरीर को अपने तो कल्याण नहीं होगा, जा क्या कर, कल्याण भी नहीं होगा, गाथा लिखी है प्रवचन सारी में, जो पापा रंब छोड़ करके भी मोह को नहीं छोड़ता वह मुक्त मार्ग का पात्र नहीं होता, इसलिए मैंने मोह के नाश पर कमर कसी है, उस मोह के नाश का उपाय विचार कर रहे हूं, विचार हे जिनवाणी भारती कोई जपूं दिन तेरी करना गए सुपावे या वाणी के ज्ञान से तुझे